वैक्सीन ऑल वैक्सीन आर गिवन इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट MMR जो कि सबक्यूटेनियसली देते हैं, BCG जो कि इंट्राडर्मल देते हैं, और पोलियो जो ओरल है. ठीक है, सब वैक्सीन इंट्रामस्कुलर हैं एक्सेप्ट BCG जो इंट्राडर्मल है. ठीक है, डेल्टॉइड पे देते हैं यहाँ पर इंट्राडर्मल, फिर MMR सबक्यूटेनियसली देते हैं, और पोलियो जो है वो ओरल होती है. जितनी भी सारी वैक्सीन हैं ऑल वैक्सीन आर गिवन 0.5 ml एक्सेप्ट BCG जो 0.05 ml है, और पोलियो जो 2 drops हैं. ठीक है, बाकी सब 0.5 ml एक्सेप्ट फॉर BCG जो 0.05 है, और पोलियो जो 2 drops हैं. इन चिल्ड्रन हु हैव वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड आर स्टिल बिलो एज 5 years वैक्सीन आर एज फॉलोज BCG वंस, और DT डिफ्थेरिया टेटनस और पोलियो ड्रॉप्स जो है वो 2 doses होते हैं एट 6 weeks इंटरवल, फर्स्ट बूस्टर एट 6 month इंटरवल. तो जो भी 5 साल से छोटा है उसका BCG सो एक दफ़ा लगनी है वंस, और जो डिफ्थेरिया और टेटनस और पोलियो ड्रॉप्स हैं वो 2 doses हैं 6 weeks के इंटरवल पे, 6 weeks के इंटरवल से, और 6 month के ऊपर आप इस इनको लगेगी 6 month के ऊपर लगेगी 5 साल के बच्चे को बूस्टर. ठीक है, 5 साल से जो कम उम्र है. अच्छा, फिर हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन कंटेन एग प्रोटीन, सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एग एलर्जी पीपल. जिनको एग एलर्जी होगी उनको हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे. एग एलर्जी वाले को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन नहीं लगाएंगे. अगर कन्वर्जन के साथ आएगा, अकर इफ कन्वर्जन अकर विद इन 72 hours ऑफ DPT इंजेक्शन, फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्ट्यूसिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, DT विल बी गिवन अलोन. सो पर्ट्यूसिस की वैक्सीन नहीं लगेगी अगर DPD के बाद 72 hours के बाद किसी को कन्वर्जन होगा तो DT लगेगी लेकिन पर्ट्यूसिस नहीं लगेगी. ठीक है, आफ्टर 2 years ऑफ एज चिल्ड्रन शुड नॉट रिसीव पर्ट्यूसिस वैक्सीन. 2 साल के बाद पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं लगेगी. इन द इवेंट ऑफ एपिडेमिक्स और हाई रिस्क मीजल वैक्सीन कैन बी गिवन एट 6 months ऑफ एज. अगर एपिडेमिक होगा या हाई रिस्क पेशेंट्स में मीजल की वैक्सीन जो है वो कैन बी गिवन एट 6 months ऑफ एज. ठीक है, अगर मीजल्स फैला हुआ है तो फिर 6 months ऑफ एज पर आप मीजल्स लगा सकते हैं. इम्यूनाइजेशन शुड बी डिलेड ओनली इन केस ऑफ इलनेस विद हाई फीवर, सो दैट एनी साइन ऑफ इलनेस विल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू वैक्सीनेशन. लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन विद इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, मेनिंजोकोकल एंड न्यूमोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा. मेनिंजोकोकल न्यूमोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन आर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन. मेनिंजोकोकल न्यूमोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा आर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन्स. मैटरनल एंटीबॉडीज विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लेसेंटा प्रोटेक्ट द इन्फेंट्स अप टू द एज 3 to 4 months. जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं वो जो ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू द प्लेसेंटा वो प्रोटेक्ट कर रही है अप टू 3 to 4 months. ऑलराइट, अप टू 3 to 4 months. एंटीबॉडीज अगेंस्ट मीजल्स परसिस्ट अप टू 6 to 9 months ऑफ एज इफ मदर हैज़ बीन वैक्सीनेटेड और सफर्ड फ्रॉम मीजल्स. Therefore, measles vaccines in children should be started after that age. Antibodies against measles persist up to 6 to 9 months of age if mother has been vaccinated or suffered from measles. तो 6 से 9 महीने तक जो है बच्चा इम्यून है. मीस measles vaccines should be measles vaccination in children should be started after that age. 6 to 9 months के बाद start होगी. Then contraindication to measles vaccine includes anaphylactic reaction to neomycin. Contraindication to measles vaccine include anaphylactic reaction to neomycin, anaphylactic reaction to gelatin, pregnancy, known immunodeficiency and long-term immune suppressive therapy. Contraindication to measles vaccine include anaphylactic reaction to neomycin, anaphylactic reaction to gelatin, known immunodeficiency, pregnancy and long-term immune suppressive therapy. Protective value of BCG vaccination is less than 40%. Protective value of BCG vaccination is less than 40%. Transfer of maternal antibodies by the placenta is an example of passive immunization. Polio vaccine, there are 2 types of polio vaccine. Oral, जिसको हम कहते हैं Sabin, और injectable, जो कहलाती है Salk. Sabin oral है और Salk जो है वो injectable है. Oral, Sabin. And injectable Salk vaccine and both contain all 3 strains. OPV which is used in EPI is bivalent. Even if the child has suffered from poliomyelitis,
he should be vaccinated to protect him against the other two types of poliovirus and also for herd immunity. Rotavirus vaccine. Rotavirus vaccine is a vaccine used to protect against rotavirus infection. These viruses are the leading cause of severe diarrhea among young children. रोटावायरस जो है वो रोटावायरस इन्फेक्शन वैक्सीन जो है वो रोटावायरस से प्रिवेंट करेगी और दीज जो रोटावायरस है वो क्या करेगा वो सीवियर डायरिया कॉज करेगा इन यंग चिल्ड्रन. द रोटावायरस वैक्सीन विल बी गिवन एट विल बी द 10th वैक्सीन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान. इट इज़ नाउ इंक्लूडेड इन EPI शेड्यूल एज द 10th वैक्सीन. एडमिनिस्टर्ड 2 ओरल डोजेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 वीक्स as well as 10 week of age. It will help reduce the diarrhea related mortality in children below 5 years. The interval between two doses is at least 4 weeks. और ये 6 week और 10 week पर लगेगी और 4 हफ्ते का बीच में gap होगा. 2 oral doses होंगी 6 week पर और 10th week पर ताकि 5 साल से कम उम्र में डायरिया की वजह से डेथ ना हो. ठीक है. And this is the 10th vaccine to be introduced in EPI schedule. The interval between the two doses is at least 4 weeks. The first dose of rotavirus vaccine cannot be given if the child is older than 16 weeks of age. 16 weeks से ज़्यादा होगा तो हम नहीं देंगे. Rotavirus is monovalent human live attenuated rotavirus vaccine containing one rotavirus strain of GIP specificity. There is also a small risk of intussusception from rotavirus vaccine, usually within a week after the first or second dose. इंटरसेप्शन का रिस्क है आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड डोज के एक हफ्ते बाद में. इम्यूनिटी क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी. देर इज इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी इज नेचुरल जनरल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन. फॉर एग्जाम्पल इनेट इम्यूनिटी रिसेट पैरालिटिक वायरस इन्फेक्शन. मैकेनिज्म स्किन रेजिस्ट इन्वेडिंग एंड टॉक्सिन. So its stomach is acid destroy enzyme digest organism swallowed with food and in blood WBC neutrophil phagocytize the invading organism and tissue macrophages phagocytize invading organism. So innate immunity jo hai general resistance hai of the body for the invading bacteria and toxins and its innate immunity kyunki natural hai. जो स्किन से आ रही है स्टमक में एसिड है ब्लड में WBCs हैं और टिश्यू में टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. फिर आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में. एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ऑफ द बॉडी टू द इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स. दो तरह के होते हैं ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ह्यूमोरल जो है वो इट इज़ ड्यू टू द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स. एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट और सेंसिटाइज्ड टी सेल अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स. पैसिव इम्यूनिटी इज टेम्पररी इम्यूनिटी अचीव्ड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड टी सेल्स इनटू पर्सन. पैसिव इम्यूनिटी इज टेम्पररी इम्यूनिटी अचीव्ड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड टी सेल्स. पैसिव इम्यूनिटी इज टेम्पररी इम्यूनिटी अचीव्ड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज और sensitized T antibodies or sensitized T cells into person. अच्छा मतलब अगर हम antibodies या sensitized T cells इसे किसी के अंदर transfuse कर रहे हैं तो वो जो temporary immunity provide हो रही है वो है passive immunity. ठीक है. यानी कि plasma लग रहा है patients को covid के patients को तो वो हम उनको passive immunity provide कर रहे हैं. right. अच्छा natural active immunity. Body makes own antibodies after getting sick and recovering from an infection. That is natural active immunity. और जो natural passive immunity है that is babies gets short term protection from mother's antibodies by the placenta or breast milk. That is natural passive immunity. Artificial active immunity is body makes own antibodies after injection of dead or weakened pathogens. That is vaccination like DPT vaccination. एटसेट्रा. तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई. और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ये होगी कि इंजेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन टू फाइट सम सीरियस इन्फेक्शन. दैट इज एक्टिव जो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो
एंटीबॉडीज जो है वो उसने इंजेक्ट करी है टू फाइट सीरियस इन्फेक्शन, दैट इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. HLA सब टाइप एसोसिएटेड डिजीज विथ डिजीज. HLA सब टाइप में DR2 एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुड पास्चर सिंड्रोम एंड हे फीवर एंड SLE. DR2 सब टाइप DR2 एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुड पास्चर सिंड्रोम, हे फीवर एंड SLE. गुड पास्चर सिंड्रोम, SLE एंड हे फीवर. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुड पास्चर सिंड्रोम, हे फीवर एंड SLE एसोसिएटेड विद DR2. DR3 एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. DR3 एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. DR3 इज एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. DR4 इज एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. DR4 विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. DR5 एसोसिएटेड विद पेरिनीशियस एनीमिया एंड हाशिमोटो थायरोडाइटिस एंड पेरिनीशियस एनीमिया. DR5 एसोसिएटेड विद पेरिनीशियस एनीमिया एंड हाशिमोटो थायरोडाइटिस. DQ2 एंड DQ8 इन सीलिएक डिजीज. DQ2 एंड DQ8 इन सीलिएक डिजीज. A3 हीमोक्रोमेटोसिस. A3 है हीमोक्रोमेटोसिस में. B8 है माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज एंड एडिसन डिजीज. B8 इन माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज एंड एडिसन डिजीज. So, DR2 in multiple sclerosis, good pasture syndrome, hay fever and SLE. DR3 in Graves' disease and type 1 diabetes mellitus. D4, rheumatoid arthritis and type 1 diabetes mellitus. DR5 in pernicious anemia and Hashimoto thyroiditis. DQ2 and DQ8 in celiac disease. A3 in hemochromatosis. B8 in myasthenia gravis and Graves' disease and Addison disease. B8 in myasthenia gravis, Graves' disease and Addison disease. DR2 in multiple sclerosis, good pasture syndrome and hay fever and SLE. DR3 in Graves' disease and type 1 diabetes mellitus. DR4 in rheumatoid arthritis and type 1 diabetes mellitus. DR5 in pernicious anemia and Hashimoto thyroiditis. DQ2 and DQ8 in celiac disease. A3 in hemochromatosis. B8 in myasthenia gravis and Graves' disease and Addison disease. नेम ऑफ वेरियस डिजीज अलॉन्ग विद देयर एंटीबॉडी. एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी होगी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में, ITP में. एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी इन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज इन वैस्कुलाइटिस. एंटी आईजीएम एंटीबॉडीज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज इन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज इन वैस्कुलाइटिस. Anti-IgM एंटीबॉडीज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. Anti-histone एंटीबॉडीज इन ड्रग इंड्यूस्ड SLE. Anti-gliadin antibodies in celiac disease. Anti-histone antibodies in drug-induced SLE. Anti-neutrophil antibodies in vasculitis. Anti-IgM antibodies in rheumatoid arthritis. Anti-histone antibodies in drug-induced SLE. Anti-gliadin antibodies in celiac disease. Anti-centromere antibodies in scleroderma. Anti-basement bodies in good pasture syndrome. Anti-basement bodies in good pasture syndrome. Anti-platelet antibody in idiopathic thrombocytopenic purpura. Anti-neutrophil antibodies in vasculitis. Anti-IgM antibodies in rheumatoid arthritis. Anti-histone antibodies in drug-induced SLE. Anti-gliadin antibodies in celiac disease. Anti-centromere antibodies in scleroderma.
एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज इन स्क्लेरोडर्मा, एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडीज इन सीलिएक डिजीज, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज इन गुड पाश्चर सिंड्रोम, एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन माइस्थीनिया ग्रेविस, एंटीबॉडीज अगेन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑटो एंटीबॉडी इन कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स ऑटो एंटीबॉडी इन कैल्शियम चैनल्स इन लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम, लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल इज लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंटीपैराइटल सेल एंटीबॉडीज पर्नीशियस एनीमिया एंटीपैराइटल सेल एंटीबॉडीज इन पर्नीशियस एनीमिया, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, एंटीग्लाइडन एंटीबॉडीज सीलिएक डिजीज, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज इन स्क्लेरोडर्मा, एंटी बेसमेंट एंटीबॉडीज इन गुड पाश्चर सिंड्रोम, एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर इन माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन ऑटो एंटीबॉडी इन अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल इन लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइलकोलीन इन माइस्थीनिया ग्रेविस, एंटीबॉडी अगेंस्ट बेसमेंट एंटीबॉडीज, एंटी बेसमेंट एंटीबॉडीज आर गुड पाश्चर सिंड्रोम, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंटीपैराइटल सेल एंटीबॉडीज इन पर्नीशियस एनीमिया एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ओके सो नाउ वी हैव हार्मोन्स एंड एंजाइम डेफिशिएंसी एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑलराइट दिस इन ओके DR2 मल्टीपल स्क्लेरोसिस गुड पाश्चर सिंड्रोम एचएलए आई थिंक इमेज में सही है